हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए एक नई चार फिल्मों का अपडेट लेकर आया हूँ। पहला फिल्म है प्रभास की सालार, दूसरा फिल्म है राजा डिलक्स जो कि प्रभास का ही अगला फिल्म है, तीसरा अपडेट होगा पठान के डिजिटल राइट को लेकर, और चौथा अपडेट होगा ट्रांसपोर्टर के हिंदी रीमेक को लेकर। आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दीजिए और हमारे वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो हम्बल फिल्म कंपनी की तरफ से सालार को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। हम्बल फिल्म का मानना है कि उनके पिछले दो फिल्में KGF चैप्टर 2 और कांतारा, अगर इन दोनों फिल्मों का कोई रिकॉर्ड तोड़ सकता है तो वो है सालार। सालार में इतनी पोटेंशियल मेकर्स को दिख रही है कि इसके लेकर वो पूरा कॉन्फिडेंस है। अभी इसकी शूटिंग को लेकर उन्होंने अपडेट दिया है कि इस फिल्म का 85% का शूटिंग कंप्लीट हो चुका है, बाकी का 15% का शूटिंग जनवरी तक भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद 6 महीने का और समय चाहिए मेकर्स को पोस्ट प्रोडक्शन के लिए और उसके VFX पे अच्छे काम करने के लिए। तो उम्मीद ये है कि जून जुलाई के महीने तक इस फिल्म का ट्रेलर देख सकते हैं आप लोग। अगला अपडेट है राजा डिलक्स को लेकर। सालार के बाद प्रभास का अगला फिल्म होगा राजा डिलक्स, इसका भी शूटिंग स्टार्ट हो चुका है। यह एक हॉरर कॉमेडी फिल्म होगा। इस फिल्म में प्रभास के साथ होंगे निधि अग्रवाल, रिधि कुमार और मलाइका मोहन, इनको डायरेक्ट करेंगे मूर्ति। और रिसेंटली एक तस्वीर भी वायरल हो रहा है इस फिल्म के शूटिंग को लेकर, जिसमें सेट पर प्रभास और मूर्ति एक साथ दिख रहे हैं। तीसरा अपडेट है पठान को लेकर। पठान को लेकर चाहे जितना भी बवाल चल रहा हो, लेकिन इसके डिजिटल राइट पूरे 100 करोड़ रुपए में बिके हैं। इसके राइट अमेजन प्राइम ने पूरे 100 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। यह फिल्म 25 जनवरी को थिएटर में रिलीज होगा और मार्च के लास्ट तक में अमेजन प्राइम पर भी देखने को मिल जाएगा। अगला अपडेट है द ट्रांसपोर्टर को लेकर। 2002 में आई इस फिल्म का रिमेक अब हिंदी में बनाया जाएगा। खबर यह आ रही कि इस फिल्म को लेकर ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ को कास्ट किया जा सकता है। फिल्म का राइट विशाल राणा खरीद चुके हैं, इसलिए इस फिल्म को प्रोड्यूस भी करेंगे विशाल राणा ही। आगे ऐसे ही फिल्मी अपडेट मूवी रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिए और वीडियो को कर दीजिए एक लाइक।